हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। आप देखिए, मैंने अपना पूरा रूम पूरा क्लीन कर लिया है। बेडशीट बिछा दी और पुरानी वाली निकाल दी और डस्टिंग भी कर दी। तो बस मेरे यहाँ का काम खत्म। तो इतने दिनों से आज मैंने और प्रियंका ने मिलके बहुत सारे कपड़े धोए हैं। वो क्योंकि प्रियंका प्रार्थना को लेके हॉस्पिटल में थी, इतने दिन से प्रार्थना की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो एडमिट थी। तो मम्मी घर पे अकेली थी और सारा काम ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने और प्रियंका ने मिलके आज सारा घर की सफाई की है। सारे घर पे डस्टिंग की, देन कपड़े पड़े थे, सारी चीजें, और हॉस्पिटल के कपड़े भी थे, तो सारी चीजें हमने सफाई कर दी है, कपड़े भी धो दिए। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ, इतने दिनों बाद में आई हूँ तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ छत कैसी है। और मैंने छत की भी सफाई कर दी वैसे, क्योंकि यही सब सारा काम करते करते मुझे आज 1:30 बज गया है। तो कोई बात नहीं, लेकिन काम सारा कंप्लीट कर दिया हमने मिलके। तो चलिए आपको मैं बाहर दिखाती हूँ। तो इतने दिनों बाद इस छत पे वापस, और देखिए कितनी तेज धूप है। इतनी तेज तो नहीं है जितनी पहले थी, बट अब मौसम पहले से थोड़ा ठीक हो गया। तो देखिए, पहले के जैसे मैं वापस इस छत पे आ गई और मैं आपको नीचे दिखा। तो ये देखिए, सारे कपड़े हमने धोए थे आज, और कुछ आगे वाली साइड पे भी डाल के रखे हैं हमने। ये देखिए वापस हिसार। तो बस अब हम नीचे चलेंगे और आपको मैं नीचे दादी से, मम्मी से, सबसे मिलाती हूँ। कल वाले ब्लॉग में मैंने नहीं मिलाया था क्योंकि मैं थक गई थी और जल्दी आके ही सो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो भी सुबह एंड की। आज वाले ब्लॉग में मैं आपसे दादी को मिलवाती हूँ और मम्मी को मिलवाती हूँ। बाकी जो जो घर पे है सबको दिखाती हूँ। प्रार्थना है, सृष्टि है, देन प्रियंका भी है, सबसे मिलवाती हूँ। तो चलते हैं नीचे। और ये वाला एरिया भी गंदा था तो मैंने ये भी साफ किया, और ये भी हमने साफ कर दिया है। नीचे स्टेयर्स भी सारे साफ कर दिए, इस पे हमने रेलिंग पे डस्टिंग कर दी। तो अब हमें पूरा सब क्लीन लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे गंदा बहुत जल्दी होता है क्योंकि हवा चलती है ना, तो उसके साथ मिट्टी आती है। यही काम करूँ मैं। ओहो। और ये देखिए, इसकी भी मैंने बेडशीट निकाल दी थी, और मेरा सामान ऐसे ही पड़ा है, मैंने अभी तक इनको अनपैक नहीं किया। करूंगी, बस अब खाना खा ले उसके बाद करते हैं। फिर आ गई सिस्टू। हाँ सिस्टू, ये बैग खोल दो। हाँ बैग खोल दो। अच्छा। हाँ, अरे वाह। हाँ रोटी खा के ही खोलेंगे। और गोलू कहाँ जा रहे हो? और ये देखिए गोरू तैयार हो रही है, और प्रियंका चली वापस अपने घर। हाँ? क्या गोलू बताओ? मोबाइल चाहिए। क्या देखना है? चलाओ चलाओ। क्या लगाऊं? ओए सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए। ओए सुंदर कपड़े पहन लिए। ये चला। मेरी है। हाँ गोलू ने अपना कार्टून लगवा लिए। चलो मैं तो देखिए को नहीं, सर पूछ कर आ जाओ। ले प्रियंका, तू मैंने चुप कर बोलू। ले मेरे पास। तो अभी हो गया चाय का टाइम, और बना लेते हैं थोड़ी चाय। तो ये वाली चाय पत्ती तो है, बट ये यहाँ वाली चाय पत्ती है, तो मैं भाभी को चाय पत्ती लाई थी, तो इसमें चाय बनाएंगे आज। मिक्स नहीं करूंगी तो इसका
डालना है। इसमें थोड़ा सा कड़क टेस्ट है तो इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा ना गिर जाए। तो चाय बन गई और मुझे पहले एक कप फीकी चाय निकालनी है पापा के लिए। तो और बाकी में चीनी डाल देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी दादी के लिए चाय। दादी को चाय देनी नहीं है बट ठीक है, कोई बात नहीं, दे देते हैं थोड़ी सी। ये मम्मी के लिए, बहुत गर्म है ये। और ये गौरव के लिए, बाकी जितनी चाय बचती है मम्मी की थोड़ी सी दादी के लिए दे देते हैं। मैंने थोड़ी कम ली क्योंकि इतनी गर्मी में चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। तो बस तो ये देखिए, बस हम चाय पी रहे थे और VFS ग्लोबल की तरफ से पासपोर्ट आ गया मेरा स्टैम्प होके। तो ये एक चीज़ थी जिसको आना अभी तक बाकी था मेरा वीज़ा का। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। मैंने खोल तो लिया था, तो ये मेरा पासपोर्ट है जो मैंने दे दिया था बाद में, अंदर मुझे वीज़ा दे दिया है। मैं दिखा नहीं सकती ये सारी चीज़ें, तो बस मेरा वीज़ा स्टैम्प होके आ गया है। और इसके अंदर एक चीज़ है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लेटर है कि कैसे मुझे ट्रैवल करना है। दैट्स इट, यही दो चीज़ें देते हैं जब वीज़ा स्टैम्प होके आता है।